अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज नए दिन से और नई रेसिपी से हम आगाज करते हैं अपना, ठीक है। आज बनाएंगे आलू की टिक्की हैं बेसन वाली। तो हमने किलो ये आलू लिए हैं, ठीक है, थोड़ा सा धनिया लिया है, 3 हरी मिर्ची लिए बारी बारी काट के, और उसके बाद 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच सूखा धनिया, और थोड़ा सा ज़ीरा गरम मसाला, और थोड़ी सी जो है कि जिसमें ना हाजमा भी सही रहे, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये अपना सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये डाल, उसके बाद ना ये हमने ना पाया बेसन घोल के रखा हुआ है, देखिए पाया बेसन है। बिस्मिल्लाह, इसको ना हम हल्के हल्के हाथ से ना करेंगे, ठीक है। बहुत मज़े के झटपट बनने वाली है बेसन की रेसिपी है। लोग बाहर से आलू अंडे टिक्की ले लो, आलू टिक्की ले लो बेसन वाली आलू, तो ये आप बहुत मज़े की बनेगी, लाजमी आप ट्राई करना। बाजार के भूल जाएंगे आलू टिक्की खाने वाले, ये बहुत मज़े की होती है, झटपट बनने वाली, ठीक है। इसमें ना थोड़ा सा ना बेसन ऐड करेंगे, ठीक है, कि वो ना उनकी बाजारों की तरह थोड़ी सी होती ना, हम वैसी सी बनाएंगे। ये देखिए हमने खोल ली चीज़ अच्छी तरह, अब हमने इसको गोल गोल इस तरह कर लेंगे, ठीक है, इसको सारे गोल गोल कर लेंगे। बाजार की झटपट बनने वाली घर में आलू टिक्की तैयार, क्या आप घर में बनाएं और खाएं ना टिक्की से, साथ में रायता बना लें, ठीक है, बहुत मज़े की बनती है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपने बनानी है, ठीक है। आपने किलो आलू लेने हैं, आधी चम्मच लाल मिर्चें लेनी है, 3 हरी मिर्चें लेनी है आपने, ये देखें ये हमने ना इस तरह करते रखे जाएंगे, हम ये देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह, आप ये बेसन घोलेंगे, आधी चम्मच नमक डालेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा ना लाल मिर्च डालेंगे, ठीक है। नमक और लाल मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि जितनी आप तेज हो हल्की कर सकते हैं। पहले आप इसको मिक्स करें, फिर आप इसमें पानी डालें। अब ये देख सकते हैं इसमें ना मैंने पानी ऐड करा है, ठीक है, आपने इसको घुमाना साथ साथ ना, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप ना, ऐसे आपने रखना, ठीक है, गाढ़ा नहीं करना आपने। देखिए हमने तेल गर्म होने रख दिया है, बिस्मिल्लाह, जब हम डालेंगे ना, ये देखिए जब ऊपर आ जाएंगे ना, समझो तेल गर्म हो गया, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ना हम ये डालते हैं, ठीक है, सारे आस्ता आस्ता करते हम डालते रहेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने ये पलट ली है, हल्के हल्के बस आपने गोल्डन करने, इसके बाद निकाल के ना फिर आपको बाकी ना इसका प्रोसेस बताती हूँ क्या करना आपने ना, हल्के लिए बस गोल्डन करके ना आपने निकाल देना इसको बाहर, फिर दोबारा डीप फ्राई होंगे। ये देख सकते हैं ये अच्छे अच्छे कलर आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, देखें जो हमने ना इस तरह करके ना टिक्की को आपने इस तरह दबाना है, नीचे दबा के ना आपने इसके अंदर डाल देना, ये देखें ये गोल थी ना, अब गोल को हम इस तरह दबाएंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएगी गोल गोल, ये देख सकते हैं आप, सारे इस तरह करते जाएंगे, क्योंकि बाजार वाले इस तरह रख के फिर जब वो आते हैं फिर उसको हाथों से मदद से करके ना तो फ्री फ्राई करते हैं। ये देख सकते कितना प्यारा गोल्डन कलर आया, देख सकते हैं अपना मान चल के कर देंगे, तेज़ कर देंगे, ठीक है, और जो जगह खाली है उसके अंदर ना एक और डाल देते हैं, ठीक है, गोल गोल बनानी है ना हमने, ठीक है, और इस तरह दबाना आपने हथेली में, देखें जैसे मैंने इसलिए डलवाया था आपसे कि क्रिस्पी अंदर से ना वो खुल जाती है, पानी निकल आता है,
ये देख सकते हैं कितने मज़े की बनी, देख सकते हैं। मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिए।